एवरीबडी, क्लास सेवन की वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट आ गई बेटा ज्योग्राफी की, भूगोल की, 11 सितंबर 2020। हम लिखेंगे आपका नाम और कक्षा अध्यापक का नाम, फिर हम शुरू करेंगे वर्कशीट। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, व्हाट डज पर्यावरण मीन, एंड पर्यावरण का क्या लेना देना है हमसे, और हम कैसे पर्यावरण और पर्यावरण हम पे कैसे निर्भर होता है, ये सब बातें आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने वापस स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। तो एकलौता प्ले ग्राउंड जो उसके स्कूल के नज़दीक था वो खोद दिया गया था। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल का मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेकों घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. वहाँ पर एक building बनेगी। Ravi was almost in tears. Ravi आंसुओं में था when he realized that the big playground with its soft grass, marigold, गेंदे के फूल and butterflies और तितलियाँ is gone forever, चली गई हैं। He shared his feeling with his classmates. उसने अपने दोस्तों से चर्चा की। In the assembly, the principal too sadly observed and said, see how our environment is changing. हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। In the class, the Ravi asked his teacher, what is environment? क्लास में रवि पूछता है, मैडम पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग्स, सेट द टीचर। टीचर ने कहा, आपको जो भी चीज़ अपने आसपास नज़र आ रही है, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। रवि शिक्षक ने कहा, हाँ, अपने आसपास जो सारी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द हाउस होल्ड, घर में क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, देखिए घर में क्या क्या होता है, पलंग है, पंखा है, एसी है, गैस है, सिलेंडर है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। आपके पड़ोस के घर में क्या है, उनके घर में क्या है भाई, उनके घर में कोई और रिसोर्स होगा, जैसे कि उनके घर गाड़ी है, उनके घर एसी है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, देखिए स्कूल में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, खुला मैदान है, फूल हैं, पत्ते हैं, ठंडी हवा है, ये सब भी रिसोर्सेज हैं बेटा, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। क्या सारे रिसोर्सेज सेम टाइप के होते हैं, नहीं, सारे रिसोर्सेज अलग अलग तरह के होते हैं, लगभग दो तरह के होते हैं, एक होता है जीवीय और एक होता है अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार जिसमें पादप यानी पौधे और जंतु आते हैं, पौधे और जंतु को कहते हैं जीवीय संसाधन, और अजीवीय संसाधन होते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि जमीन, बादल, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब क्या है, अजीवीय। नीचे दी गई वर्ष की पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए हैं, उनकी पहचान करके इनको अलग अलग लिखना है कि कौन से जैव हैं और कौन से अजैव हैं। देखिए करिए शुरू, यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट सबसे पहले लिखा है, FORESTी, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है, जिंदा है कि डेड है, फॉरेस्ट बायोटिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे बच्चे, फॉरेस्ट। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट ही ढूंढा है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉरेस्ट। और क्या है बेटा यहाँ पर, फॉरेस्ट के अलावा देखिए और क्या है, कार, ये देखिए कार, कार जिंदा है नहीं, तो कार हम यहाँ लिख देंगे कार, ठीक है बच्चे। उसके बाद डेजर्ट, ये क्या है, डेजर्ट बायोटिक है कि अबायोटिक है, अबायोटिक है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है बच्चे। मैन क्या है, बायोटिक है, है ना, हम जिंदा हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए और क्या बचा है, सैंड, रेत, रेत क्या है, अबायोटिक है, तो सैंड हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। और कुछ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आएगा तो आप ढूंढेंगे,
और फिर इसको अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में अलग अलग रखेंगे। बायोटिक मतलब जो जिंदा है और अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, जो चीज़ें जिंदा नहीं है। देखिए मैं क्या क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेड़, ये रहा पेड़, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है जंगल, आप खुद ढूंढेंगे। और जो जिंदा है, जैसे पेड़ जिंदा है तो आप किस में लिखेंगे, जैव संसाधनों में, किस में लिखेंगे, जैव में। अगर अगर वो जिंदा नहीं है तो आपको किस संसाधन में लिखेंगे, अजैव संसाधन में। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ये बनाना है अपनी नोटबुक में, देख लो कैसे बनाना है। पे का कू करे ड र ब श गी ऐसे बनाना है, और फिर उसमें से वर्ड्स को वो करना है, कलर करना है जो वर्ड आप चाहते हैं, और फिर उनको अलग अलग टेबल में लिखना है। आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में, फटाफट से वर्कशीट कर दो इससे पहले कि किसी को पता चले, किसी को भी पता नहीं चलेगा, फटाफट वर्कशीट कंप्लीट कर दो। एंड इन द मॉर्निंग यू विल द फर्स्ट वन टीचर करेगी, अरे वाह ये तो बच्चा बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बाय।